खरगोन शहर के मेडिकल व्यवसायी के बेटे आशय महाजन के अपहरण के मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आशय के बचपन के दोस्त सहित तीन अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से तीन मोबाइल फोन, एक चाकू और एक सफेद कलर की स्विफ्ट कार बरामद की है। जबकि यह कार रिटायर्ड कर्मचारी की बताई जा रही है, पुलिस ने उसे भी धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि वकार के दोस्तों से मिलकर मेडिकल व्यवसायी के बेटे आशय महाजन का किडनैप करने वाले 50 लाख रुपए फिरौती की योजना बनाई थी, जिन्हें पुलिस ने बेनकाब करके आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि इन आरोपियों को इंदौर से पकड़ा है। ये मेडिकल कॉलेज के एक स्टूडेंट का अपहरण करने की फिराक में थे। इसी को लेकर पुलिस ने प्रेस वार्ता करके मामले का खुलासा किया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। खरगोन के कोतवाली थाना क्षेत्र से एक मेडिकल व्यवसायी का अपहरण हुआ था। बहुत ही संवेदनशील घटना थी, क्योंकि शहर के बीच से इस प्रकार का अपहरण होना एक चुनौतीपूर्ण घटना थी। इस घटना में लगातार पुलिस महानिरीक्षक महोदय इंदौर ग्रामीण क्षेत्र मॉनिटरिंग कर रहे थे। उनके द्वारा भी इसमें सभी तरह की टीमें और संसाधन उपलब्ध कराए गए थे। एक विशेष अभियान इसमें चलाया गया था, तो कई घंटे के अंदर ही अपराध को गुप्त करा लिया गया। इस घटना में जो आरोपी शामिल थे उसको अभी अरेस्ट किया गया है। पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व एडिशनल एसपी श्री मनीष कटेसा और एसपीओपी राकेश कर रहे थे। साइबर टीम भी इसमें लगी हुई थी। आज इसमें चार प्रमुख आरोपियों की गिरफ्तारी की है। मेन आरोपी अरेस्ट हुआ है बकार से, एक है वो पीड़ित जो महाजन है, उनका 55 का दोस्त है, 12th तक साथ में पढ़ा है, एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसा इन्होंने कन्फेस किया है कि इन्होंने लोन वगैरह लिया हुआ था और पैसे की बहुत जरूरत थी। इसके लिए इन्होंने अपने कजिन ब्रदर जो देवास का रहने वाला मुबसर है और इनके दो परिचित व्यक्ति हैं खरगोन के सुहेल और अकबर, उनके साथ मिलकर इन्होंने पूरी योजना बनाई। और मुझे लगता है कि जो जानकारी इन्होंने दी है, जुलाई से ही इसके अपहरण का ये योजना बना के प्रयास कर रहे थे। दो बार इन्होंने असफल प्रयास किए, लेकिन 16 अगस्त को इसका आरोपी का जन्मदिन था। जन्मदिन मनाने के बहाने से इसको लेके गए और मौका पा के अपने दोस्तों के साथ इसका अपहरण किया। बाद में जो फोर व्हीलर थी उसको ले जाके रवाना हुए। योजना ये थी कि इंदौर में ले जाके इसको किराए के कमरे में रखेंगे और परिजनों से 50 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड करेंगे। और इनको ये विश्वास भी था कि ये जो पीड़ित है, इसके अपहरण होने से इसको इस प्रकार का रैंसम प्राप्त हो सकता है। पुलिस की कार्यवाही काफ़ी तेज़ी से हुई और पुलिस को काफ़ी अच्छी इनपुट स्टार्टिंग में मिल गए थे, इसलिए इनको कोई मौका नहीं मिला अपहरण करने का या अपहरण के लिए फिरौती मांगने का। घटना के बाद से आरोपी लगातार फरार थे। कल पुलिस टीम को ये इनपुट मिला था कि ये जो आरोपी है, ये इंदौर में एक मेडिकल कॉलेज के एक स्टूडेंट्स का अपहरण की रैकी कर चुके हैं, उसको लोकेट कर चुके हैं और उसको अपहरण करने के लिए ही रवाना हुए हैं। इस सूचना के आधार पर तत्काल एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में अपनी थाना प्रभारी मैनगांव, चौकी प्रभारी जैतापुर और साइबर अपने साइबर के अधिकारी, ये सभी टीमें रवाना की गई और इनको हिरासत पर लेके आज गिरफ्तारी की है। पुलिस डिमांड दिया जा रहा है, इसके बाद पूरे केस का फर्दर इन्वेस्टिगेशन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।